तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लद्दाख। हाँ यही के लिए स्पेशली। हाय हाय, वेरी नाइस प्लेस। आप कहाँ से आए हो? आई एम फ्रॉम मुंबई। हे गाइस, मेरा नाम है मोहित। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं एबीएस राइड्स। और स्वागत है आपका एबीएस राइड्स में। और ये हमारा ऑफिशियल है गाइस। पेट्रोल हो चुका है फुल और ये निकल चुके हैं कंबल। कंबल की जरूरत, लद्दाख में कंबल की जरूरत भाई। बहुत ज्यादा ठंड है भाई। ग्लव्स सब लेके आए इस बार, ये ही नहीं लाया। पता नहीं क्यों लद्दाख जा रहे हैं बिना ग्लव्स के। रास्ते में रुके हैं, थोड़ा से हाथ पैर गर्म कर ले। सिर्फ 150 किलोमीटर और। रात की थकान के बाद 2-3 घंटे के लिए रूम लेकर सोना पड़ा। फोन से वीडियो बना सकते हैं, ड्रोन अलाउ नहीं है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लद्दाख। तो कैसा लग रहा है आपको भाई? बहुत ही लद्दाख की सरजमी पर धरती चूमने का मन हो रहा है। धरती चाट ले तू। अब तो सच बोल दे। तो हम आ चुके हैं अभी किशनगढ़ डंपिंग यार्ड, मार्बल डंपिंग यार्ड। जो ये पूरा, ये एक वाइट चादर देख रहे हो ना, ये पूरी मार्बल की है। हाँ, जो भी मार्बल काटने पर थोड़ा थोड़ा हाँ, वेस्ट बचता है, टुकड़े बचते हैं हाँ, उन्हें ये लोग बिछा देते हैं यहीं पर हाँ, यहाँ पे डंप कर देते हैं। और तो गाइस, यहाँ का रास्ता कुछ ऐसे पड़ेगा, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो पहले आपको गुड़गांव जाना पड़ेगा, फिर मानेसर से सीधे नेक्स्ट बड़ा स्टॉप जयपुर ही होता है। सीधी रोड से कहीं नहीं मुड़ना, जयपुर हाईवे सीधा आप पकड़िए और सीधा पहुंचिए जयपुर। और जयपुर के बाद अगला नेक्स्ट स्टॉप जो बड़ा सा है वो किशनगढ़ी है, गोल्डन क्वार्टर लिटरल वाला हाईवे चलता है। ट्रेन से आ रहे हो तो किशनगढ़ जो है यहाँ से रेलवे स्टेशन जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ से ऑटो से या कैसे भी आ सकते हैं, टेम्पो भी चलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने कन्वेंस से भी आइए, चाहे कैसे भी आइए, पब्लिक से भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल ना लद्दाख वाली फील देता है। और ये काफी गर्म भी है, अभी मेरा मन हो रहा है कि मैं स्वेटर उतार लूं और इसमें डुबकी लगा दूं। डुबकी भी लगा देता हूं, क्योंकि एक्चुअली में दिखने में तो लद्दाख है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ टेम्परेचर की बात करें तो ये हॉट लद्दाख है। हॉट लद्दाख। तो अभी इसके जगह यार, ये अभी इसको हम धीरे 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 आपको दिखाने वाले हैं कहाँ क्या चीज इतनी फेमस क्यों है। और ये जगह आपको यहाँ के फोटोशूट लोकेशन दिखाते हैं, पर्टिकुलरली इसी जगह के, कि कहाँ लोग शूट करते हैं, गाने के शूट, प्री वेडिंग शूट और हर चीज यहाँ पर शूटिंग, मूवीज की शूटिंग। आपने वो वाली मूवी देखी है, उसको प्यार करूं, सब यहीं का है गाइस। और इतने सॉन्ग्स यहाँ पे शूट होते रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक गाना गाई दूं फिर। गर्मी लगनी स्टार्ट हो चुकी है, लोगों की भीड़ जमा होती जा रही है। कोई ऐसा मुझे लग नहीं रहा कोई कोना है जहाँ पे लोग ना दिख रहे हो। हालांकि शूटिंग के लिए सब कुछ खाली करवा दिया जाएगा। हाँ यार, ये ना बिल्कुल सही में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आना ना बहुत सही कर दिया हमने अपनी बेशक नींद खराब करी। लग रहा है इसी राजस्थान है। हमने बेशक यहाँ पे अपनी आके नींद खराब करी है, लेकिन सही बताऊँ तो सब कुछ वर्थ है। ये मजा ही अलग आ रहा है यहाँ पे। देख रहे हो, ये आंखों को सुकून कहते हैं इसे, आंखों को सुकून।
तो अभी हमने इसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। हाँ, और प्लस ये रोड जो है ना ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे बाइक वगैरह सब ऐसे एंटर तो हो जाती है, प्लस आराम से बिल्कुल धीरे धीरे आपको लेकर आनी है। सावधानी से आइए। हमने अपनी क्या है ना कि स्कूटी थोड़ा वहाँ पे पार्क की थी, अब हम सोच रहे हैं इसको बिल्कुल लेक के पास लगा दें। व्यू कैसा आ रहा है ये बताओ पहले मुझे, व्यू देखने में मज़ा आ रहा है ना, ये आप सोचो कि मेरी आंखों को कैसा सुकून मिल रहा है। भाई ऑफ रोडिंग कराऊँ तुझे? ऑफ रोडिंग में देखो बड़ा मज़ा आ रहा है, तू चाहता है यहाँ पे हम फंस जाएँ, स्कूटी हमारी यहीं पे अटक जाए। यहाँ पर हम ऐसी जगह पर स्कूटी अंदर घुसा रहे हैं जैसे लोगों ने घुसाई है, ऊपर से दिल्ली नंबर राजस्थान के अंदर। हाँ, तो अलग ही शोभा बढ़ा रहा है, शोभा बढ़ा रहा है। हाँ भाई यहाँ पे से मत निकाल, ये देख रहे हो जानबूझ के यहाँ से निकाल रहा है ताकि हम यहाँ पे फंस जाएं और हम घर ना आ पाएं। ये जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहा है ताकि हम यहाँ पे फंस जाएं। इसको कितना समझा रहा हूँ मैं, उधर से था यार। Few moments later. खाली उसने दिख रही है यहाँ से, वो फंस चुका है, देख रहे हो। बड़ा मजा आ रहा था ना इसको। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब इसको वहां से घूम के जाना था, इतना खुला रोड है, एकदम आसानी से पहुंचा था, लेकिन नहीं, भाई को तो वहां से जाना है, अब अपने कपड़े खराब कराने हैं। हम यहाँ आ चुके हैं, स्कूटी फाइनली निकल चुकी है और बहुत कुछ हुआ है। काफ़ी सीन हुए हैं, वो हमें आगे बताएंगे आपको क्या क्या हुआ, लेकिन फिलहाल मैं बताता हूँ इस जगह के बारे में आपको। यहाँ पानी देखो, पानी देख रहे हो, अलग से ब्लू कलर दिखता है, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें नीला रंग डाला गया, लेकिन ये नीला रंग डाला नहीं है, आसमान की रिफ्लेक्शन ही ऐसी पड़ रही है ना वाइट के ऊपर ब्लू का कलर। और इसके अलावा अगर आप जहाँ जहाँ तक देखोगे ना सिर्फ वाइट और ब्राइट चट्टाने। और अगर आपके पास ड्रोन है ना भाई, तो आप बहुत लकी होने वाले हो यहाँ पर, बस परमिशन लेना वरना। क्या नाम है भाई आपके चैनल का? गोकुल साहू ब्लॉग्स, सब्सक्राइब कर देना भाई। मैं भी ब्लॉग्स ही करता हूं। नहीं, मैं झांसी से हूं। अच्छा। रहता हूं कुछ लाइक दोस्तों के पास रहता हूं अपने। अच्छा, घर से तो यहां आना मुश्किल है, मैं झांसी का हूं ब्लॉग। अच्छा, और एक क्वेश्चन मेरा और ये रहेगा कि रिव्यू क्या रहेगा यहां का? यहां का बस रिव्यू ये रहेगा कि साफ सफाई कर रहे हैं, ये अभी मैंने देखा पहले, ये मैंने देखा कि अपने इंडिया की खूबसूरती। हां जी, यही है, यही है बस, यहाँ पर जो बाकी सब अच्छा लग रहा है वो अभी देखो, अब भी देखो, मतलब ऐसी ऐसी करते हैं ना, वो मज़ा नहीं आता है। बढ़िया,
चलो नाइस टू मीट यू बड़ी। ठीक है भैया, ओके चलो मिलते रहेंगे। मिलते हैं। ₹100 स्कूटी भी प्राइम हो चुकी है, फोटोग्राफी विद आवर स्कूटी। तो कैसा फील हो रहा है? ABS राइड्स का प्रमोशन जी। आप लोग जी जी हाँ यही के लिए स्पेशली एक्चुअली करते हैं। क्या है अपना इंस्टाग्राम हैंडल? सब कुछ हमने स्कूटी पे मेंशन कर रखा है। इधर तो आ गया, फोटो में आ गया। ये तो आया ही है। हाँ तो उसमें हमने आपको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है। अच्छा तो हाय बोल दीजिए हमारे। हाय, वेरी नाइस प्लेस। आप कहाँ से आए हो? आई एम फ्रॉम मुंबई। मुंबई यहाँ से तो हाँ आई थिंक 1000 किलोमीटर है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहित है, इसका नाम अमन है। तो हम दिल्ली से हम रात को निकले थे। हाँ। अपना सुबह यहाँ पे आके 2-3 घंटे के लिए हमने होटल लिया, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू। टिंग भी होती है यार यहाँ। बताइए जरूर कैसी लगी है वीडियो। ये सब्सक्राइब करो भाई, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दो। अरे आराम से भाई।